सेक्स लेस मैरिज के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो कपल साथ में रह रहे, पति पत्नी साथ में रहते हैं, एक साथ में रहकर भी सेक्स नहीं करते। अब ये हो सकता है कि वो खुशी से दोनों ने ठहरा लिया कि अपने को सेक्स नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज है कि जिसमें वो लग गए, धर्म के जिसमें चक्कर में लग गए या और कोई बाबा महाराज के चक्कर में लग गए कि जहाँ उनको बताया जाता है कि सेक्स करना गलत है और सेक्स नहीं करना चाहिए, और दोनों ने निर्णय ले लिया कि अभी अपने को सेक्स नहीं करना है। दोनों भी वो भजन कीर्तन में लग गए, वो बाय चॉइस हो गए। 2% अमेरिकन कपल्स जो है उनमें ये दिखाई देता है एक स्टडी के अनुसार। मतलब 100 कपल में से दो कपल में सेक्स होता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सेक्स कम है और दोनों के भी सेक्स कम है, या वो सेक्स करते नहीं है, वो सेक्स लेस नहीं है मगर लो सेक्स वाले मैरिज है। और ऐसा पाया गया है कि एक साल में, पूरे साल भर में सिर्फ 10-12 सेक्स वो करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसा माना जाता है कि ये कपल जो है ये बहुत ज़्यादा सेक्स करता नहीं और वो हाइपोसेक्सुअल है, और दोनों भी, कारण कुछ भी हो, दोनों भी तैयार है या दोनों भी तैयार नहीं मगर वो इतना कम करते हैं। अब ये कारण क्या है? एक तो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही वर्कलोड ज़्यादा है और उसमें वो सेक्स ही करते नहीं है, उतना मतलब परेशान है। दूसरा है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उससे परेशान है। फिर नेक्स्ट है डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन है, क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम है जिसमें 2-2 साल डिप्रेशन चालू है और वो सेक्स करते नहीं, हाथ भी लगाते नहीं दूसरे। फिर तनाव है, स्ट्रेस उसके कारण होता है। या फिर सेलिबेसी है, बाय चॉइस दोनों ने मतलब चॉइस करके रखा हुआ है कि नहीं करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों को भी हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है, दोनों को भी इच्छा नहीं और वो दोनों भी एक दूसरे को हाथ ही लगाते नहीं। कारण कुछ भी हो मगर यदि डिस्ट्रेस कर रहा है, यदि एक भी पार्टनर उसे ना खुश है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, सेक्स ही नहीं है तो। इसके परिणाम क्या होते हैं कि दोनों में इंटीमेसी नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्यार नहीं करते एक दूसरे से, सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं मगर एक दूसरे कोई कनेक्टेडनेस नहीं है, नफरत करते हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। फिर विवाह बाह्य संबंध होते हैं, यदि एक पार्टनर खुश नहीं है तो विवाह बाह्य संबंध हो गए। मेरे पास में एक लेडी आई, अच्छे घर की है और मतलब बहुत ही प्यार है एक दूसरे से, साथ में रहते हैं, एक कमरे में सोते हैं, बच्चे बड़े हो गए मगर अभी पिछले कई महीनों से मतलब उसका हस्बैंड हाथ भी लगाता नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होती है। हालांकि इसकी इच्छा होती है मगर फिर इसका ईगो कभी कभी हो जाता है कि मैंने क्यों बोलना, फिर कभी लगता है कि जान दो छोड़ दो इसकी इच्छा नहीं तो, मगर वो हाथ भी लगाता नहीं, वो सेक्स की इच्छा भी बताता नहीं है या सेक्स भी करता नहीं। बहुत ही ये लेडी ने फोर्स किया, खुद ही पीछे लग गई, तो फिर गोली वगैरह खा के, वायग्रा खा के वो एक आधी बार कर लेगा मगर उसकी इच्छा ही नहीं है या वो उसमें दिमाग में भी आता नहीं, वो विचार भी नहीं है, तो वो हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर हो गई, मतलब कम डिज़ायर है। मगर सेक्स ही नहीं करना और बिल्कुल हाथ ही लगाने का नहीं है तो सेक्सलेस मैरिज है, हो सकता है पहले से ही है। ऐसे भी मैंने कई मैरिजेस देखे हुए पति पत्नी कि शादी के बाद में दोनों ने भी ठहरा के लिया हुआ है कि हमको सेक्स ही नहीं करने का। तो शादी क्यों किया? तो बोले बस शादी तो कर लिया, घर वाले फोर्स कर रहे थे मगर हमको पहले से इच्छा नहीं है और दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, दोनों को भी हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर कॉन्टैक्ट नहीं है और दोनों रह रहे। मगर क्या है कि अल्टीमेटली सेक्स इज एन इंस्टिंक्ट, वो अपना काम निसर्ग जो बताते रहता है, तो ज़्यादा सेक्सुअल दबा के रखा होगा तो बाहर आएगा और फिर विवाह बाह्य संबंध होना, झगड़े होना, झंझट होना, ये भी हो सकता है। इन शॉर्ट यदि सेक्सलेस मैरिज है तो ये एबनॉर्मल ऐसा समझा जा सकता है यदि दोनों खुश नहीं है तो, और फिर उसका ट्रीटमेंट सेक्सोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।